दोस्तों Realme एक नई मिड रेंज स्मार्टफोन Realme 11 Pro सीरीज पेश करने की तैयारी कर रहा है और इसे इस साल मई में पेश करने की उम्मीद है। दोस्तों Realme 11 Pro सीरीज में कंपनी दो फोन Realme 11 Pro और Realme 11 Pro Plus पेश करने वाली है। वहीं इस सीरीज का टॉप वेरिएंट फोन मून मोड फीचर से लैस हो सकता है। दोस्तों कंपनी के निर्देशक ने ट्विटर के चीनी सोशल मीडिया वीवो पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। दोस्तों Realme 11 Pro Plus को मिड रेंज में लॉन्च किया जाएगा और इस फोन को मून मोड फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि ये गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की तरह मून शॉट्स कैप्चर कर सकता है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों अभी यह फीचर केवल प्रीमियम स्मार्टफोन में ही देखने को मिलता है। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं है कि मून मोड फीचर्स कैसे काम करेगा। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि Realme टेलीफोटो कैमरा यूनिट के साथ स्मार्टफोन को तैयार कर सकता है और विशेष रूप से चंद्रमा की तस्वीर लेने के लिए जूम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग कर सकता है। दोस्तों जहां तक स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, फोन के कई लीक्स सामने आ चुके हैं। दोस्तों कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि Realme 11 Pro Plus में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच का फुल HD Plus डिस्प्ले होगा। दोस्तों पैनल या तो AMOLED या OLED होने की उम्मीद है। दोस्तों स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7000 सीरीज प्रोसेसर से लैस हो सकता है, जो 2.6 GHz पर क्लॉक किया गया है। दोस्तों इसके अलावा फोन में 16 GB तक RAM और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। दोस्तों रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि Realme 11 Pro Plus में एक पावरफुल कैमरा सेटअप हो सकता है और इसके पीछे की तरफ 3 कैमरे हो सकते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल तक का दिया जा सकता है। दोस्तों फ्रंट फेसिंग कैमरा 16 मेगापिक्सल का हो सकता है और फोन में 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के लिए 100 वाट तक की चार्जिंग सुविधा मिल सकती है। दोस्तों वहीं Realme 11 Pro Plus के चीन में लॉन्च होने के बाद भारत में भी रिलीज होने की उम्मीद है और ये Realme 10 Pro Plus की जगह होगा, जो पहले से ही भारत में उपलब्ध है और इसकी कीमत 24,999 रुपये है। दोस्तों नए फोन की कीमत 30,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है और फोन के Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने की भी उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने अब तक फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।